इस वीडियो में हम लोग किसी भी एजुकेशनल या किसी और वीडियो में टाइम कोड या टाइमर लगाना सीखेंगे। जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे टाइमर लगाया गया है। तो चलिए फिर देखते हैं हम लोग कैसे इसको लगा सकते हैं। इसके लिए हम लोग VSDC वीडियो एडिटर यूज कर सकते हैं, जो कि ब्लैंक प्रोजेक्ट, यहाँ पर जाएं, फिनिश पर क्लिक कर दें। मेरे पास ये एक सैंपल वीडियो है, तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। सीधे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है स्क्रीन पर। उसके बाद ये टी सिंबल पर जाएं और काउंटर पर क्लिक कर दें। फ्रॉम सीन बिगिन, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद माउस के लेफ्ट क्लिक को प्रेस करते हुए ड्रैग कर लेंगे। ये टाइमर आ गया है, इसको चेक कर सकते हैं वीडियो को प्ले करके। टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, एडिटर पे जाना है और यहाँ से हम लोग टेक्स्ट कलर पिक करेंगे। बैकग्राउंड कलर यहाँ से ले सकते हैं। टेक्स्ट के साइज को हम लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद इसको हम लोग ड्रैग करके इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो पहली डिजिट है वो घंटे को शो करती है, दूसरा मिनट, तीसरा सेकंड और लास्ट वाला मिली सेकेंड। मिली सेकेंड को हम लोग हटा भी सकते हैं। यहाँ पर जाएं, ये लास्ट में देखिए %3N लिखा है, डिलीट कर देंगे। ये देखिए यहाँ से मिली सेकेंड चला गया। अब हम लोग इस प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट करेंगे। पाथ को सिलेक्ट करना है, एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट, कंटिन्यू। एक बार चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से आप लोग किसी भी वीडियो में टाइमर या टाइम कोड लगा सकते हैं।